नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि काइन मास्टर कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरा कोई टॉपिक मिला नहीं था बनाने के लिए, इसलिए मैं इसी पे वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत जन मेरे दोस्त लोग भी पूछ रहे हैं कि काइन मास्टर भैया कैसे चलाते हैं, कैसे काइन मास्टर को यूज़ करते हैं, वो लोग तो कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं इसके अंदर इफेक्ट डालने के लिए। लेकिन काइन मास्टर सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है एंड्रॉयड के लिए वीडियो एडिटिंग करने के लिए। उसको कैसे किस तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा थोड़ा कि कैसे यूज़ करते हैं काइन मास्टर को। अगर कोई ट्रांजिशन या इफेक्ट नहीं है तो हम लोग इफेक्ट ला के लेके आ सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना पिछले वाला वीडियो में पबजी का जैसे लोगो कैसे बनाते हैं उसका इफेक्ट कैसे लेके आया था एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड से। वैसे ही मैं आज की इस वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल दूंगा काइन मास्टर के बारे में। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि काइन मास्टर पूरा कैसे इस्तेमाल करते हैं और आप भी एक प्रो यूट्यूबर बन जाओगे या फिर प्रो वीडियो एडिटर बन जाओगे। चलिए, हमने काइन मास्टर ओपन कर लिया है। हम लोग सबसे पहले जाएंगे अपने नए प्रोजेक्ट की तरफ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक नया फाइल ओपन हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं आपका ऐसा लेआउट ओपन हो जाएगा। तो इधर बहुत सारी चीज़ें हैं, मीडिया लेयर, वॉइस और ऑडियो, और ये शॉप है, शॉप का कुछ काम नहीं है इधर हम लोग को। ये देखिए, ये भी एक शूट का ऑप्शन है, इसका भी कुछ काम नहीं है हम लोग को भी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंदर मीडिया कैसे इंपोर्ट करें। सबसे पहले जाइए मीडिया के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डेड करके रखा है बहुत सारा, इसको ऐसे क्लिक करेंगे आपका वीडियो आ जाएगा। आप चाहे तो इसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन में काइन मास्टर का इस्तेमाल करके ये देख सकते हैं आप पूरा, अब इसको एडिट कर सकते हैं। और जैसे कि हमें ट्रिम करना है तो बीच से स्प्लिट कर सकते हैं, राइट वाला ट्रिम हो जाएगा इससे, अनडू कर सकते हैं इधर से, अगर बीच से काटना है तो स्प्लिट हो जाएगा ऐसे। और जैसे ये डब्बा दिख रहा है ना, इस डब्बे के अंदर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे इधर आपको अच्छे अच्छे ट्रांजिशन मिलेंगे, ठीक है। इस ट्रांजिशन का यूज़ करके आप अच्छा अच्छा इफेक्ट ला सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये देख सकते, ये देखिए एग्जांपल के तौर पे। अभी मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, तब देखिएगा बहुत अच्छा ट्रांजिशन आएगा जी, जैसा इंट्रो बना सकते हैं जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। ये देख सकते हो सारा ऐसा है, ऐसा हम लोग का ट्रांजिशन है। इधर बहुत सारे ट्रांजिशन है आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो खुद के ट्रांजिशन भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो इस ये बात हुई ट्रांजिशन की, तो चलिए अगली तरफ आते हैं। अगली तरफ हम लोग का है मीडिया, तो इंपोर्ट हो गया। इसमें आप वीडियो या फिर कोई क्या नाम है इमेज फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये ऑडियो, अगर आपको कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक देना है तो इसमें दे सकते हैं आप बैकग्राउंड म्यूज़िक। और उसके बाद आता है बारी लेयर का, ये रहा लेयर। लेयर के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये आपका हो गया मेन वीडियो जो आपका चल रहा है। लेयर क्या करता है, जैसे मीडिया में जाएंगे और स्क्रीन रिकॉर्डर में अगर हम कोई दूसरी वीडियो इंपोर्ट करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी, वीडियो के ऊपर एक वीडियो आ जाएगी, दोनों चलेगी लेकिन वीडियो के ऊपर एक वीडियो आ जाएगी। इसका भी एक तरह का ये एनिमेशन है, देख सकते हैं आप, इसके अंदर भी आप एनिमेशन डाल सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। और इसका ये देख सकते हैं, ये वाला एनिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं अभी दूंगा थोड़ा देर बाद। तो और इसके अंदर आउट एनिमेशन, क्रोम की है हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ग्रीन स्क्रीन का नाम तो सुना ही होगा, वैसा ही काम करता है ये क्रोम की। जैसे मैं इनेबल करूँगा तो देख सकते हैं कुछ इफेक्ट आ रहा होगा आपको ग्रीन स्क्रीन का जैसा, ये देख सकते हैं। जैसे कि ये की कलर चूज़ किया हुआ है हम लोग का, तो इस की कलर के हिसाब से ये हम लोग का बैकग्राउंड हटा रहा है। अगर इसको 100 कर देंगे तो बैकग्राउंड आ जाएगा, इसको साइड करके इसको जैसे जैसे आगे ले जाएंगे बैकग्राउंड इरेज करता रहेगा, ये देख सकते हैं आप। ये क्रोम की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आप कुछ भी कर सकते हैं क्रोम की से। फिलहाल के लिए मैं इसे डिसेबल कर रहा हूँ। अल्फा ओपेंसिटी, ये आपका ओपेंसिटी कम करता है, ये देख सकते हैं आप। और इसके अंदर कलर फिल्टर है, आप चाहे तो फिल्टर कर सकते हैं इसको बहुत कलर से। वॉल्यूम, ऑडियो फिल्टर, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें मिलेगी आपको। और अब आते हैं हम लोग ये चाबी वाला चीज़ में, ये चाबी वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो के अंदर कि पबजी का इंट्रो मैंने इसी से बनाया था,
जैसे कि अगर हम इसे स्लाइड कर दें थोड़ा और ये चाबी वाला बटन को यूज़ करें, इस पर हम क्लिक कर देते हैं और थोड़ा वीडियो को आगे ले जाएंगे, और ये जो प्लस का साइन है अगर इस पर क्लिक कर देंगे फिर आगे ले जाएंगे वीडियो, फिर इसको कहीं और शिफ्ट कर देंगे वीडियो को। देखिएगा सपोज़ इधर शिफ्ट किया मैंने तो इधर आ गया, देख सकते हैं अभी डॉट आ गया इधर, उस इधर राइट क्लिक कर दीजिए, फिर इधर आइए क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए वीडियो में मैं आपको ये अच्छा एनिमेशन लग रहा है आप अपने फ़ोन में काइनमास्टर। इसी तरह आप कहीं भी ये डॉट है ना, जैसे कि वापस मैं बताता हूँ, ये जैसे ये डॉट है ना आप कहीं भी ले जाके इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, ये वैसे वैसे आपका वीडियो मूव होता रहेगा। तो चलिए इसका इसको छोड़ते हैं, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। जा भाई डिलीट हो गया, हो गया डिलीट। और ये वॉइस है, अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ठीक है, और उसके अंदर आप वॉइस नहीं रिकॉर्ड करना चाहते, आप बाद में चाहते आप सोच रहे हैं बाद में भी वॉइस रिकॉर्ड करें, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर आप बाद में भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टार्ट करके ये वीडियो चलता रहेगा, आपका वॉइस भी रिकॉर्ड होता रहेगा, आप बोलते रहिए। मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ना कि काइनमास्टर में। तो चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं। ये चीज़ तो दिख रही है कैप्चर फ्रेम, इससे क्या होता है हम लोग का स्क्रीनशॉट लिया जाता है, स्क्रीनशॉट लेकर ये सीधा आपको इधर ही इंपोर्ट कर देगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। इसको मैं थोड़ा लिस्ट में ले आता हूँ। हाँ ये वाला देखिए क्रॉपिंग का, ये क्रॉपिंग का सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो वीडियो फुल स्क्रीन के अंदर आए तो आपको ये ट्रिक यूज़ करना चाहिए। देखिए जैसे स्टार्ट पोजीशन है, इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको। स्टार्टिंग हम लोग का यहाँ से होता है और एंडिंग हम लोग का यहाँ से होता है। स्टार्टिंग पोजीशन मतलब हमारा यहाँ से वीडियो चालू होगा, तो इस पर क्लिक करके हम इसको कैसे भी एडिट कर सकते हैं इधर स्टार्ट पॉइंट में। मैं चाहता हूँ मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हो, ऐसा वीडियो लगे ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा, बाद में समझ में आ जाएगा। फिर एंडिंग पॉइंट देखते हैं हम लोग अपना। एंडिंग पॉइंट मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो ऐसा लगे ठीक है। अगर ऐसा लगे अब इसको राइट क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करने के बाद प्ले कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है हम लोग का, एंड यहाँ इस्तेमाल करके पबजी जैसा इंट्रो बना सकते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। अब देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग के लिए, ये बहुत ही अच्छा है। और हम लोग का क्या है, इसके अंदर क्लिप ग्राफिक्स है, जैसे कि आप कुछ टेक्स्ट वगैरह देना चाहें तो वो दे सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ऐसा एनिमेशन आ रहा है इधर बहुत है ऐसा, ये तो भी कोई अच्छा चीज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो चलिए इसको हटाते हैं क्लिप को। स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं 2x, और स्पीड बढ़ा भी सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन स्पीड बढ़ाने से अच्छा स्पीड घटाने से अच्छा स्पीड बढ़ा ही दें आप, सही रहेगा। और कलर फिल्टर है, कलर एडजस्टमेंट है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर आपको ऐसा इफ़ेक्ट आएगा। और डुप्लीकेट लेयर, अब आप चाहे तो डुप्लीकेट लेयर भी बना सकते हैं इसका, जैसे देखिए इसका एक लेयर बन गया, आप चाहे तो इस वीडियो का लेयर भी बना सकते हैं। लेयर में क्या होता है, जो चीज़ होता है पीछे बैकग्राउंड रहता है, ऊपर आपका ये चीज़ रहता है जो भी है वीडियो रहता है ठीक है। और इधर मीडिया क्या होता है, मीडिया क्या करता है, उसको सीधा वीडियो इम्पोर्ट कर देता है इसके अंदर। तो अब थोड़ा लास्ट चीज़ हम अब जाते हैं सेटिंग के अंदर। अब सेटिंग के अंदर क्या है, ऑडियो मास्टर वॉल्यूम, ऑटो मास्टर वॉल्यूम, छोड़िए इसको, इसको ऑन रहने दीजिए। ऑडियो फेड इन, इसको अगर आप क्लिक करेंगे, मतलब जैसे आपने मेरा वीडियो देखा होगा, अगर जब वीडियो एंड होता है लास्ट में तो एकदम धीरे 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 कर करके साउंड डिक्रीज होता रहता है और फिर वीडियो बंद हो जाता है। और ये इसका टाइमिंग दिया हुआ है 0.20 सेकेंड, मतलब लास्ट के 0.20 सेकेंड के अंदर वीडियो बंद हो जाएगा, मतलब ऑडियो बंद हो जाएगा, सॉरी ऑडियो एकदम बंद हो जाएगा ठीक है। और आप देख सकते इसको बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, ये फेड इन है ये फेड आउट है ऑडियो के लिए। वीडियो एडिटिंग में देख सकते हैं फेड इन फेड आउट, मतलब वीडियो क्या, जैसे मैंने इंपोर्ट किया कोई मीडिया ठीक है, सॉरी जो लास्ट वाला जो पोर्शन है ना वीडियो का, वो कैसे फेड इन होता है, वो कैसे फेड आउट होता है, उसका टाइमिंग है ये, उसका टाइमिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, कितना फेड इन होना चाहिए कितना फेड आउट होना चाहिए। और एडिटिंग में देख सकते हैं देख सकते हैं आप, प्रोजेक्ट डिफॉल्ट लेयर ड्यूरेशन है, ये तो कुछ काम का नहीं है। फिट इन स्क्रीन, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसको हमें यूज़ करना चाहिए फिट इन स्क्रीन का। फिल इन स्क्रीन में कुछ काम का नहीं है, फिट इन स्क्रीन बहुत अच्छा चीज़ है, इसको यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं इसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कैनबर्न्स को।
तो और क्या है, इससे आपका पूरा लेयर दिखता है। और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो साइड में आपका ये PIP मोड जैसा ओपन हो जाएगा वीडियो। आप इधर से इसे प्ले कर सकते हैं और इधर प्ले होता रहेगा। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी चीज़ सही है हम लोग के लिए। तो और कुछ नहीं है काइनमास्टर के अंदर। अगर आपने ये चीज़ सीख लिया तो आपको कोई और वीडियो एडिटिंग ऐप की ज़रूरत नहीं है। फिल्मोरा में भी सेम ऐसा ही होता है, बस उसके अंदर क्या होता है माउस और कीबोर्ड होता है। और इसके अंदर क्या है हम लोग का, इसके अंदर कुछ नहीं, हम लोग का क्या नाम है टच है बस। ये चारों चीज़ हम लोग को सीधा दिया हुआ है। मेन ये हम लोग का चार चीज़ ही है। ये भी इतना ऑडियो भी इतना कुछ खास नहीं है। मेन हम लोग का ये तीन चीज़ें, मीडिया, वॉइस और लेयर। लेयर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओवरलेस भी है इसके अंदर, ओवरलेस मैंने बताया नहीं आपको। ओवरलेस में यही है खाली, ये सब आप लगा सकते हैं। अजीब अजीब इमोजीज आप चाहे तो, टेक्स्ट है, हैंडराइटिंग है, हैंडराइटिंग आप कुछ लिख सकते हैं चाहे तो। ये देखिए, ये देखिए, आप चाहे तो इसका भी आप क्या नाम है की वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर भी, कैसे लिखना चाहिए कैसे नहीं लिखना चाहिए। तो और कुछ नहीं है इस काइनमास्टर के अंदर। चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। ये काइनमास्टर के बारे में थोड़ा सा ट्यूटोरियल था, हो सकता है ये वीडियो बड़ी हो गई हो, थोड़ी 10 मिनट की हो गई हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा काइनमास्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए नमस्कार दोस्तों फिर से और अलविदा। और हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हम लोग को अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लाइक भी कर सकते हैं और डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मोटिवेट ही होऊंगा। और आप चाहे तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए उस तरह का टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आके इस पे वीडियो अगले दिन आपको वीडियो मिल जाएगी उसके अंदर। मुझे भी बहुत सारे टॉपिक्स चाहिए आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को अच्छा लगे वो टॉपिक्स, आप लोग को बहुत पसंद आए। अभी मैं काइनमास्टर के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको और भी टेक से रिलेटेड या फिर MI से रिलेटेड या फिर और कोई मोबाइल से रिलेटेड आपको कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन, या फिर फ्लैशिंग, बूटिंग, कोई भी कस्टम रोम फ्लैश करना, या फिर कोई गूगल अकाउंट को जो वेरिफिकेशन मांगता है सैमसंग मोबाइल में बाईपास करना, या फिर सॉफ्टवेयर कैसे फ्लैश करते हैं, अगर इस तरह आपको कोई वीडियो चाहिए आपको तो ज़रूर से ज़रूर हम लोग को कमेंट बॉक्स में बताएँ। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।